नमस्कार, स्वागत है आपको YouTube चैनल फिना वॉइस पे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के शेयर को लेके। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के शेयर को लेके कुछ अपडेट्स आया है, यहाँ पे कोशिश करेंगे छोटा सा वीडियो के माध्यम से वो आपके साथ शेयर करने के लिए। रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो पे पूरा बने रहिए, कहीं स्किप मत कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे कि अगर आपको एक ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन करना है एंजल बुकिंग या ऑफस्टॉक से, तो उसका लिंक हम लोगों ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर देख रखा है, जरूर एक बार देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अभी स्टॉक की बातें। इंडियन होटल्स में आपको पता है, जब अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जब स्टॉक का प्राइस 90 रुपए के नीचे था तभी भी हम लोगों ने स्टॉक में बताया था आपको खरीदारी करने के लिए, और जो भी टारगेट प्राइस दिया था वो भी हिट हुआ है। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग कह रहे हैं कि जो भी टारगेट प्राइस है स्टॉप लॉस देते हैं, हम लोग उसी टारगेट प्राइस से स्टॉप लॉस के स्टॉक में खरीदारी करना चाहिए। जब भी आप कोई स्टॉक खरीदते हैं खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए, या फिर जब भी कोई स्टॉक सेल करते हैं खुद से रिसर्च जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पे अभी देखेंगे कि 6 महीने से स्टॉक में क्या चल रहा है, आगे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते, 6 महीना पहले स्टॉक का प्राइस 92.20 पैसा चल रहा था, 6 महीने के अंदर ये स्टॉक ने रिटर्न दिया है 20.66% का। 1 month पहले स्टॉक का प्राइस चल रहा था 107.95 पैसा, 1 month के अंदर स्टॉक ने रिटर्न दिया है 3.06% का। 5 days पहले स्टॉक का प्राइस चल रहा था 105 रुपया, एंड 5 days के अंदर स्टॉक ने रिटर्न दिया है 5.95% का। 1 day में भी जो स्टॉक में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा है कि 6 महीने में आप देख सकते हैं स्टॉक ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। तो अगर किसी ने स्टॉक लेके रखा है इंडिया होटल्स का, या फिर कोई लेना चाहते हैं इंडियन होटल्स का स्टॉक, तो जरूर यहाँ पे जो कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने रिसर्च किया देखने, आप देखिए यहाँ पे तो बहुत ही यहाँ पे जो अच्छा इन्फॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिला है ये स्टॉक को लेके। यहाँ पे अगर देखेंगे एक दिन पहले का स्टॉक का ओपन प्राइस, हाई प्राइस एंड लो प्राइस, आप देख सकते हैं स्टॉक जो ओपन हुआ था 110 रुपीज में, हाई प्राइस दिया है 114.50 पैसे का, लो प्राइस दिया है 107.20 पैसे का। तो यहाँ पे इतना इन्फॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिल गया है, और जहां पता चला कि स्टॉक जो है 6 महीने से एक अच्छा रिटर्न भी दिया है। एक दिन में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे जो स्टॉक में एक जबरदस्त मजबूती बनता हुआ दिखा है। तो चलिए अभी यहाँ पे जो है बाकी का इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे पता चल रहा है हम लोग छोटा अमाउंट का स्टॉक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि स्टॉक में क्या चल रहा है, और यहाँ पे जो अपडेट आया है वो भी शेयर करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आगे हम लोग NSE की वेबसाइट पर आप देख सकते, ट्रेडेड वॉल्यूम जो है वो है 33,70,405, फेस वैल्यू 1.00 का है 52 का, हाई प्राइस दिया है 139.25 पैसे का, 52 का लो प्राइस दिया है 62.10 पैसे का। एंड सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन अगर एक दिन पहले का देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखने को मिल रहा है डिलीवरेबल क्वांटिटी ग्रॉस अक्रॉस क्लाइंट लेवल 12,60,440, एंड डिलीवरेबल क्वांटिटी टू क्रेडिट क्वांटिटी का जो परसेंटेज है 37.40% के आसपास है। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा नहीं है कि स्टॉक में जो है खरीदारी कोई कर नहीं रहा है, स्टॉक में खरीदारी हो रहा है, छोटा अमाउंट का स्टॉक है और अच्छा स्टॉक है ये। यहाँ पे हम लोगों ने ये स्टॉक का जो कंपनी उसके बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे जब रिसर्च किया वो भी पता चला है हम लोग इस स्टॉक के बारे में, तो वो भी यहाँ पे एक बार शेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आगे हम लोग जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, इंडियन होटल्स कंपनी पोस्ट क्वार्टर फोर नेट लॉस एट ₹97.72 करोड़। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि बहुत सारे स्टॉक्स में या फिर बहुत सारे कंपनी अभी जो कंपनी से उसका अभी रिजल्ट्स आ रहा है क्वार्टर फोर का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन होटल का भी जो है रिजल्ट्स आया है, और यहाँ पे 97 करोड़ के आसपास जिन लोगों ने लॉस पोस्ट किया है तो क्वार्टर फोर का जो है। तो चलिए यहाँ पे आगे का इन्फॉर्मेशन देखते हैं। आप देख सकते हैं टाटा ग्रुप हॉस्पिटलिटी आम इंडियन होटल्स कंपनी ऑन फ्राइडे रिपोर्टेड ए कंसोलिडेट नेट लॉस ऑफ ₹97.72 करोड़ फॉर द फोर्थ क्वार्टर एंडेड मार्च 2021। तो ये जो कंपनी है इंडियन होटल्स, टाटा ग्रुप हॉस्पिटलिटी आम इंडियन होटल्स कंपनी, मतलब टाटा ग्रुप का ये कंपनी, टाटा ग्रुप एक कंपनी, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है फ्राइडे को जो रिपोर्ट आया है टाटा ग्रुप के ये इंडियन होटल्स के शेयर को लेकर, कंपनी को लेकर 97.72 करोड़ का जो है लॉस यहाँ पे पोस्ट किया गया है। और हम लोग को पता है कि होटल इंडस्ट्री के जो भी शेयर है उसमें जो है बहुत दिन से हम लोग को कुछ गिरावट देखने को मिल रहा है। द कंपनी हैड पोस्टेड ए नेट प्रॉफिट ऑफ ₹76.29 करोड़ फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो
इसी फाइनेंशियल ईयर का, अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कंपनी ने पोस्ट किया था 76.29 करोड़ का प्रॉफिट। तो चलिए यहाँ पे आगे का इन्फॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ पे ऑलवेज यू देखने को मिल रहा था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन स्टूड एट ₹615.02 करोड़ फॉर द क्वार्टर अंडर कंसिडरेशन। इट वॉज ₹1.062.92 करोड़ फॉर द सेम पीरियड ए ईयर एगो। इट एडेड फॉर द फाइनेंशियल एंडेड March 2021, the hospitality majority posted a net loss of 795.63 crore. It had registered a net profit of 363.74 crore in the preceding financial year. तो यहाँ पे जो है ये स्टॉक्स इंडियन होटल्स का जो है यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे क्वार्टर फोर का रिजल्ट्स आया है वहाँ पे 97.72 करोड़ के आसपास जो है कंसोलिडेट जो नेट लॉस है वो देखने को मिल रहा है, इन लोगों ने ये पोस्ट किया है। तो यहाँ पे ये सब इन्फॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिला है। तो यहाँ पे जो और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिला है, तो इसका मतलब देखिए अभी स्टॉक में यहाँ पे डाउन या फिर जो एक अपडेट आया जहाँ पे कंपनी का यहाँ पे लॉस कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट है वो उसमें यहाँ पे लॉस दिखाया गया। इसका मतलब यही नहीं कि स्टॉक में खरीदारी नहीं करना चाहिए या फिर करना चाहिए। यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने रिसर्च किया जब यहाँ पे देखने को मिला, चलिए एक बार वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग हमेशा बात है या फिर आप देखते रहेंगे कि जब भी कोई स्टॉक का इन्फॉर्मेशन आते तो उस कंपनी के बारे में भी इन्फॉर्मेशन रखना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोगों ने देखा अभी कि जो ग्राफ है इंडियन होटल का उसमें जो है 6 महीने से स्टॉक ने एक अच्छा रिटर्न दिया है। उसके अलावा जो एनएससी का डेटा देखा, एनएससी की वेबसाइट पे जो एनएससी का डेटा देखा, एनएससी की वेबसाइट पे वहां पे भी जो है एक अच्छा खासा हम लोग को इन्फॉर्मेशन देखने को मिला, जहां पे बहुत सारे लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। छोटा अमाउंट का स्टॉक है, बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया है। हो सकता है अभी जो यहाँ पे रिजल्ट को लेके अपडेट आया उसके चलते स्टॉक में थोड़ा गिरावट कुछ दिन के लिए देखने को मिल जाए। यहाँ पे अगर देखेंगे तो बाकी का इन्फॉर्मेशन आप देख सकते, प्रोमोटर्स होल्डिंग्स रिमेन्स अनचेंज्ड एट 40.75% in December 2020 quarter. Mutual funds have decreased holdings from 22.12% to 20.19% in December 2020 quarter. Number of mutual fund schemes decreased from 15.13 in December 2020 quarter. तो यहाँ पर जो information देखने को मिला December 2020 quarter का है, जहाँ पे mutual fund जो है अपना होल्डिंग कम कर दिया है 22.12% से 20.19% कर दिया है। एंड म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो है वो भी देख सकते हैं कम कर दिया है 15 से जो है अभी 13 कर दिया दिसंबर 2020 क्वार्टर के इन्फॉर्मेशन है। तो दिसंबर 2020 क्वार्टर में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन अभी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप देख सकते FII FPI have increased holdings from 10.50% to 10.51% in December 2020 quarter. तो FII FPI जो उन लोगों ने अपना होल्डिंग्स बढ़ा दिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 10.50% से 12.51% कर दिया December 2020 quarter में। Number of FII FPI investor जो है उसमें भी एक अच्छा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है और जो इंक्रीज हो चुका है नंबर ऑफ एफआईआई एफपीआई इन्वेस्टर्स इंक्रीज फ्रॉम 161 टू 169 इन दिसंबर 2020 क्वार्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव इंक्रीज्ड होल्डिंग्स फ्रॉम 41.98% टू 42.09% इन दिसंबर 2020 क्वार्टर। तो यहाँ पे एफआईआई एफपीआई जो अपना शेयर बढ़ाया है और इन्वेस्टर्स देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे जो है बढ़ भी रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन भी ये स्टॉक के बारे में देखने को मिल रहा है। हाँ ये जरूर है कि जहाँ पे यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला है कि इंडियन होटल्स का जो अभी रिजल्ट आया है उसमें जो है एक कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट है उसमें थोड़ा गिरावट हम लोग को देखने को मिला है। तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि स्टॉक में आपको खरीदारी करना है।